की थी। देख इसकी हालत खराब हो रही है इसलिए। अरे तो खाओ तो सही, तो सही में क्या आ रही है? देखो देखो, अगर आप देख सकते हो तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा कि कुछ फन करते हैं, कुछ फन एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए शोर को माइंड मत करना, क्योंकि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी हम लेके आए हैं जोलो चिप का डिब्बा और हम करेंगे जोलो चिप चैलेंज। तो अभी हम ये जोलो चिप सबको टेस्ट कराएंगे, पूछेंगे कि भैया सही में बहुत ज्यादा स्पाइसी है भी कि नहीं है, या फिर ये यू नो एक क्लिक बेट वाली चीज है सिर्फ। तो मैंने तो कभी खाया नहीं, और सबसे बुरी बात इसकी आ रही है कि ये 200 रुपए का आता है और इसमें एक ही चिप आती है। भाई पैसा बर्बाद है ये तो। 200 रुपए में तो 20 लेज आ जाए, 20 कुरकुरे, क्या कुछ नहीं आ जाए। चलो जो भी, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आफ्टर दिस हेल्थ शुड बी इजी। बहुत बढ़िया। तो जो नर्क पे जा रहा है ना, उसके लिए भाई इजी होने वाला है खाने के बाद। पैकेजिंग तो बढ़िया है। ये शायद चिप है हमारी। एनी लास्ट वर्ड्स? भाई पैकेजिंग का ही पैसा है, चिप तो एक दिया है यार। इससे बढ़िया तो 20 कुरकुरे लाके मैं सब में बांट देता ना, सब वैसे खुश हो जाते। इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच, मतलब कि थोड़ी देर के लिए मुंह से आवाज निकलना बंद हो सकती है। अबे एक में तो RIP लिख दिया है इसने। ठीक है, पागल वागल हो गया ये। चलो खोलते हैं इसको और सबको टेस्ट कराते हैं, पूछते हैं उनका कैसा रिएक्शन है। मतलब ये इतने बड़े इसमें भी ये आया इतना सा। पापा अरे ठंड नहीं खा रहा ये भाई, ये बहुत मिर्चीदार है सही में ही। करते ही खांसी आ गई। पापा को टेस्ट कराते हैं। तो मेरे पापा कुछ क्रीम लगाते हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए, तो माइंड मत करना। पर अब ये पापा से टेस्ट करवाते हैं। पापा ये जो देख रहे हो ना आप, इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मसालेदार मतलब मिर्ची वाला चिप है ये। वो आते ना लेज वगैरह। अरे एक्टिंग नहीं, सच्ची में है। अरे ये वो खाओ ना, सच्ची में है क्या? मेरे को भी लगा एकदम से खा के, है ना? अरे रुको तो सही, तो जा कर रहे हो। सही में था कि मजाक कर रहे हो? अरे यार सही में आपको रियल रखना है बाबा, सच्ची बताना है ना। मेरे को भी लगा यार मिर्ची तो है इसमें। अरे मिर्ची मिर्ची है ना, और एकदम से खाती आती है, एकदम से खाती आती है। कितना तक आया था? मुंह जल गया पूरा, है ना? थोड़ा सा और खाओगे? खा लो थोड़ा सा। ये सब रियल है भाई, कोई एक्टिंग नहीं है, ठीक है ना? क्या खा रहे हो? गुड़ खा रहे हो? हाँ, इचकी आ रही है। देखो देखो, अगर आप देख सकते हो तो नाक में से पानी आ रहा है, आंख में से पानी आ रहा है। यार मैं क्या कुल्लू आ गया। बच्चे अपने माँ बाप से क्या क्या करवा रहे हैं यार, एक वीडियो के लिए क्या क्या करवा रहे हैं यार। हाँ देखो, सच्ची में पानी आ चुका है आंखों में। भाई तो भयंकर चीज है, मतलब क्या था यार, अगर नहीं खाया था इतना सा खाया था। अरे आपने तो इतना सा खाया था, मैंने तो बस ये जो ये हाथ पे लग गया था ना ये मसाला, ये चाट लिया था, चाटते ही खांसी। तो अभी माते श्री भी आ गई है। अभी मम्मी को टेस्ट करवाते ही है मिर्चीदार, भयंकर मिर्चीदार ये जो जोलो चिप है। एक चीज मैं बता दूं, हम जो राजस्थानी लोग होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं अपने खाने में, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग बिल्कुल भी फीका खाना नहीं खाते, और अगर मम्मी को ये मिर्चीदार लग गई ना, तो ये सही में भयंकर भयंकर वाली है बहुत। और कम, और कम। अरे तो खाओ तो सही, तो सही में या नाटक कर रहे हो? देखो नाटक नहीं करना, है ना? भयंकर वाली है ना भाई, इतना भी नहीं खा रहे राजस्थानी लोग। भाई क्यों नाक कटा रहे हो, खाओ थोड़ी सी, है ना? बिल्कुल मत खाना। क्यों? बहुत मिर्ची मुंह जल गया मेरा, है ना? खाते एकदम से मुंह जल जाता है। तो थोड़ा सा खाओ तो सही। आपने मुंह पे मसाला ले लिया, बस चिप तो खाई नहीं। कौन लाया डूडल? जोलो चिप चैलेंज करो, कोई नहीं खा पा रहा। तुम तो कभी मत खाना ये। मैं इतनी खाती हूँ, उसी में इतनी मिर्ची लग गई है मुझे तो भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा कोई एसिड है। यार फैट देना भयंकर गंदी चीज है। वो जिंदगी में मैंने तो चाय बना के पीनी पड़ी मुझे तो। क्या जोलो पोलो खा रहे हो? काजू बादाम खाओ, है? चाय पी रहे हैं। अगर मैं तो जिंदगी में ना लूं ऐसा चैलेंज। मेरे को लगा था कि जितना ये इंटरनेट पे मतलब करता है ना, यूट्यूब वीडियोस बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। मतलब ये लोग कोई एक्टिंग नहीं कर रहा भैया। ओवर नहीं, कोई ओवर नहीं करता। इतनी महंगी मिर्ची के लिए कौन ओवर करेगा। मेरे को तो चाय बना के पीनी पड़ी था मेरे अंदर तक, जबकि मैंने तो होठ पे तो बस जीभ पे और यहाँ तक ही लिया था, गले के अंदर तो लिया भी नहीं। गले के अंदर तो छाले हो जाते हैं ना भाई ना, मैं तो ना चूंगा। लेकिन सबको चखाएंगे जरूर। नहीं नहीं क्या सबको एक एक बार तो चखाना बनता है कि नहीं बनता? नहीं क्या नहीं, नहीं क्या बच्चे ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर कोई चाय बना के और देनी पड़ेगी। नहीं अब तो अपने घर पे नहीं, उनके घर पे जाके करेंगे अपन। अपन चाय पी के आएंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि मेरे को काम से जाना पड़ रहा है मेरी बुआ के। मैं मेरी एक नई बुआ से मिलवाता हूँ आज आप लोगों को, उनसे आप पहले कभी मिले नहीं हो। तो उनको भी जोलो चिप चैलेंज करवाएंगे, उनका भी रिएक्शन देख लेंगे हम लोग। नहीं कितने से स्कूल के बच्चे आजकल सिगरेट विगरेट और ये सब पीने लग जाते हैं। छोड़ना जानना सिर्फ पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जानना। कहाँ से निकालेगा? ग्रीन लाइट हो रही है भाई, मतलब ग्रीन लाइट वाले निकल रहे हैं, उनके बीच में से निकाला है इसने। फिर भी मत किया करो यार ऐसा। जयपुर में मेट्रो स्टार्ट हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं, और मैं सिर्फ आज तक एक या दो बार बैठा हूँ मेट्रो में, और वो भी स्टार्टिंग में जब इनॉग्रेट हुई थी कि हाँ चलो ठीक है यार बैठ के आते हैं जयपुर में मेट्रो स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैं आज तक मेट्रो में नहीं बैठा कभी जयपुर में। कमेंट्स में बताना यार आप लोग कितनी बार बैठे हो मेट्रो में, बैठते भी नहीं बैठते। मेरे को तो लगता नहीं है तो कुछ खास काम आती है। अभी वाला जो रूट है मानसो रोड से लेके छोटी चौपड़ का, वीको पाउडर वीको क्रीम, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको वज्रदंती। ओ भाई आ तो सरप्राइज जोलो चिप चैलेंज। वाह आयुष्मान बुआ, इन बुआ से नहीं मिले। बुआ और अलवर बुआ, हमारी क्या 4 बुआ हैं। तो हमने नाम मतलब जहाँ पे रहती हो उन नाम से बुआ के नाम याद रख लिया। अलवर बुआ, अलवर एक जगह है। बुआ और बुआ, बुआ और एक जगह है, अलवर बुआ है। लड्डू है, लड्डू खाऊंगा। किसके है? गोंद के भी है, मोतीचूर के भी है, सब है लड्डू तो। मोतीचूर खाएंगे। सूरज निकल रहा है उधर से, तो सूरज भी निकला और चांद भी निकला। देखो मैं तो पृथ्वी में तो अगल बगल सूरज और चांद घूमते हैं। अरे को मैं बताता हूँ, अरे मैं खिलाऊंगा इतना से भी नहीं। और मिर्ची मिर्ची और कुछ नहीं है, मिर्ची मिर्ची है और कुछ भी नहीं है। वो मैंने देख लिया, खाने के बाद हालत खराब होती है इसकी, जीप पे लगती है। मैंने तो जीप पे ही लगाया तो मैं भी समझ गई इसकी बात। वो आई यूनिट ट्रैशड आउट। नहीं भैया मैं हाथ जोड़ दूर थी, मैंने कहा आज ही तो थोड़ी सी जल्दी फ्री हुई और इसके चक्कर में सब काम हो जाएगा घर पर। बहुत ऑन फायर इतना जब तुम दे देता ना तो मैं उछलती बल्लियाँ बल्लियाँ। लेकिन ऐसे इनके दोस्त ने ऐसे कहती अपन पार्टी करेंगे, तरफ से पार्टी करूँगा, सबको बुलाऊंगा। बुला लिया और जब पिछा देवा का नंबर आया तो सबने कहा निकाल पैसा निकाल। यो दोस्त अच्छे लगे मुझे, कम से कम पार्टी भी करवा दी, नहीं तो कोई राजी होना तो आवा नहीं। मैं मेरा जो फार्मूला था मैंने उस हिसाब से ली थी। मैंने कहा जिसका जहाँ 27 टोटल बैठा होगा ना वो रेडी है। अब इसका देखो 27 टोटल बैठे हैं, 9 9 18 4 22 5 27। 27 सितम्बर उसका जन्मदिन है रिंकू का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी यार मेरा भी 27 ही है। टोटल क्या होता है 7 और 9 नंबर जो होता है ना वो देवी का नंबर है। मेरा 11 1 पे आता है तो मेरा क्या मानेंगे ना, आपका कौन डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11/1/97। तो आप उनको सबों को जोड़ो। अच्छा कितना बड़ा? तो 26 और 3 29। 29 बड़ा ना आपका? हां तो 29 का मतलब हो गया 29 9 + 2 11। 9 + 2 11 वापस 11 पे आ गया। ये बड़ी भाई ये बात है, ये ऊपर वाला ही जानता सब चीज। हां और कोई नहीं जान सकता। वो यार फूल तो आपके सुंदर सुंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे वाले। ये वाला आप देख सकते हैं, हम उन पे नजर रख सकते हैं। पूरा यूं ढक लेता है एक हाथ से, यूं सारा अपने आप को। राजा महाराजा गणराज्य में लड़ते थे ना। मैंने और बुआ ने डिसाइड करा कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना तो दुबई से कैसे पूरा वैसे बन के आएंगे, पूरा कहाँ से ऊपर से नहीं चलेगा, सोने तक सोने का पहन के चला। अलहबीबी बुआ मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू खाएंगे आज, मोतीचूर के लड्डू खाएंगे। क्या बाजरे का चूरमा और क्या क्या है? पेठा 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 और क्या क्या है? और बर्फी नो थोड़ा सा मैं कहती तो खत्म ही ना हो जाते। थोड़ा टेस्ट थोड़ा प्लीज इधर को बाजरे का चूरमा खा लो भाई। जोलो बोलो चिप तो गया साइड में, चैलेंज बाजरे का चूरमा खाओ। इनको आया इसको पुआ पकौड़ी बना के खिलाओ, इसको पुआ पकौड़ी बनाना बहुत टेस्टी है। बुआ आपने बनाया क्या? अरे बहुत टेस्टी है, मैंने बना दिया। रिंकू भैया को खाते खाते गुस्सा आया, ऐसा फेंका, बोले मेरे को रोटी चाहिए ये नहीं चाहिए। तो रोटी खाने की तुम कीमत क्या जानो अलवर बाबू पृथ्वी सिंह। बर्तन मुझे मारने पड़ते हैं, चाय कॉफी मुझे बनानी पड़ती है, बर्तन मुझे वो बिस्तर मुझे समेटने पड़ते हैं, बाजार से सामान सब्जी आचार पचार सब चीज मुझे लानी पड़ती है, कपड़े में धोऊं, कपड़े में सुखाऊं, कपड़े में उठाऊं, और क्या क्या करूं दो रोटी के बदले में। दो रोटी खाता हूं मैं, ज्यादा नहीं खाता। कहीं ज्यादा खाली तो ज्यादा काम करना पड़ जाए। नहीं भाई समझे नहीं, हमने तो पता ही है है बुआ। विशेष टिप्पणी आपकी? आनंद ही आनंद है अपने तो। ईश्वर ने आनंद भी सबके नहीं लिखे, अपने आनंद ही आनंद। बुआ को तो अच्छा आनंद मिल रहा है, आपने तो बढ़िया। गोविंद से रात दिन यही प्रार्थना ऐसे ही बनाए, गोविंद से रात दिन यही प्रार्थना अपन को, गोविंद ये बनाए रखना, तो तेरी कृपा जो है जो वो बनाए रखना। तो मैं सारी लाइटें पहले ही जला देता, वीडियो में लाइटिंग अच्छी आती है। लाइटें देख लो, दुनिया भर की लाइटें लगा रखी है। तो हम चलते हैं बुआ के घर से। भाई बुआ का भी अलग ही प्यार होता है काम में, उनको जोलो चिप खिलाने आया था। वैसे आया तो काम से था, लेकिन काम उनको जोलो चिप खिला रहा था, काम उन्होंने मेरे को बाजरे का चूरमा खिला के भेज दिया। सपना ये क्या दिखलाया है मुझको, तो अभी हम आ गए हैं मनन के घर पे और यहाँ हम करेंगे जोलो चिप चैलेंज। चलो मनन खोलो, आज करेंगे जोलो चिप चैलेंज। थोड़ा जीप पे फेर तो गले में डाल देती, पूरी फट रही थी, सीधा गले में चबाया। नहीं चबाया मेरे को लग रहा है, आप ही खाएंगे। मैं सब जीप पे रखना, चबा ले। हां चबा ले उसको, पूरे मुंह में रखो। मतलब हां है तीखा, लेकिन मेरे को इतना तीखा नहीं लगा कि क्योंकि मैं इससे ज्यादा तीखा भी खा गया हूं। ठीक है, चैलेंज गॉन रॉन्ग, चैलेंज गॉन रॉन्ग है ना। मैं बता रहा हूं तेरे को, सूसा चली गई भाई, हालत खराब हो रही है धीरे-धीरे, है ना। हां हो रही है। और तू आकर ये पूरी खत्म वाली सब हो गया, कर तू खत्म इसको कर। मैं इतनी बड़ी खाया तो अपना पीस खाएगा ना, अभी तो मेरी हालत नहीं है। अरे बड़ा जो पीस है वो पता है हम बहुत ज्यादा इस पर क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच, वो हो रहा है मनन के साथ। अरे अब तेरे को खाना पड़ेगा, अब तेरे को खाना पड़ेगा। अरे अब तेरे को खाना पड़ेगा। कोई नहीं बुला रहा, झूठे थूकने गया साला। तेरी हालत तो देख ले तू एक बार। देख इसकी हालत खराब हो रही है इसलिए। आके दिखा